हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, जो है इलेक्शन बेस्ड पर क्वेश्चन लगातार आपके करंट वाले एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलो देख लेते हैं कैसे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम आपको पहले बेसिक अप्रोच बताएंगे, फिर एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक बताएंगे, तो आप दोनों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर एक क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और विजेता को 70% वोट मिले, उसने 16,000 वोटों से चुनाव को जीत लिया, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। ये तो टाइप वन हुआ, ठीक है। टाइप वन ये क्या हुआ, टाइप वन, ये टाइप वन के टाइप के क्वेश्चन। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सबसे इजी और सरल मेथड है, ये टाइप सबसे इजी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग पहले देखेंगे बेसिक अप्रोच से, तो फर्स्ट क्या होगा, बेसिक मेथड से कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड में क्या होगा कि दो विजेता हैं, तो माना हमने क्या कुल मत कितने हैं, मान लेट हमने मान लिया यहां पे कुल मत, लेट कुल मत बराबर कितने हैं 100x, ठीक है। अब क्या कहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और विजेता को 70% वोट मिले। अगर एक को 70% मिल गए तो हारने वालों को कितना मिला, 30%। तो हम यहां पे बना लेंगे एक विजेता का और एक बना लेंगे उपविजेता का, ठीक है, उपविजेता का बनाएंगे। तो यहां क्या कहा गया है, यहां कहा गया है विजेता को 70% मिले, तो माना विजेता को कितना मिला, 70x मिल गया, ठीक है। तो उपविजेता को कितना मिला, 70 इसको मिल गया 100 से, तो उपविजेता को कितना मिलेगा, 70, 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100-70 बराबर कितना बचेगा, 30x, ठीक है। अब क्या कहा है, और उसने 16,000 वोटों से चुनाव को जीत लिया, मतलब ये 70x पाया और ये 30x पाया, तो जीता कौन, ये वाला ना, तो इसने इससे कितना ज्यादा पाया, कितना ज्यादा पाया, इसके पास 70 है और इसके पास 30 है, तो इसने इससे कितना ज्यादा पाया, तो हम इससे घटा देंगे, 70x-30x बराबर कितना हुआ, 40x। तो 40x की वहां से वैल्यू दे रखी है, तो उसने 16,000 वोटों से चुनाव को जीत लिया, यहां कितना ज्यादा आ रहा है, 40x, तो हम लोग 40x को क्या करेंगे, 16,000 के बराबर रख देंगे, ठीक है, 16,000 के बराबर रख दिया। अब क्या, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, अब 4 × 4 हुआ, इसको काटेंगे, 4 × 16 = 20, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आई, एक्स की वैल्यू आई 400। तो हमने देखा यहां पे हमने कुल मत क्या मान रखे थे, 100x, तो हम यहां से देखेंगे कुल मत क्या होंगे, कुल मत बराबर 100x, तो 100x हम लिखेंगे यहां पे, और x का मान यहां पे क्या है, 400, 100 × 4 = 400, ठीक, कितना हुआ, 40,000, ठीक है, 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गए, यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक अप्रोच, जो हमने बेसिक आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बन सकते हैं, तो आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां देखा क्या था कि 100% वोट मान लिए, 70% विजेता को मिले, तो विजेता को कितना मिले, 30%। हमने यहां से देखा कितना ज्यादा था, 40x ज्यादा था, तो 40x ज्यादा था तो कितने ज्यादा मतों से जीता था, 16,000, तो 40x की वैल्यू 16,000 के बराबर रखी, तो x बराबर 400 आया। तो हमने देखा कुल मत यहां से कितने हैं, 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी आई,
40,000। आप देखते हैं आपको इतना कुछ एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप चाहिए तो दूसरी ट्रिक से भी लगा सकते हैं, एग्जाम ट्रिक से। दूसरा मेथड है एग्जाम ट्रिक, आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाए तो आप लोगों को सॉल्व करना है सीधे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ने भाग लिया और विजेता को 70% वोट मिले, ठीक है, तो उसने देखा 16,000 वोटों से वह जीता, तो सबसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीते मत, ठीक ठीक है। फिर यहां क्या लिखेंगे, तो अब हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक। एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक में देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया तो पहले को 70% मिला, फर्स्ट को कितना मिला 70%, ठीक है, सेकंड को कितना मिलेगा 30%, क्योंकि एक 70% और ये 30%, ये क्या हुआ, ये विजेता है और ये नीचे वाला कितना है, उपविजेता है, ठीक है। अब क्या कहा है, एक चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिया, 70% वोट मिले और उसने 16,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। यहां पे आप लोगों को आंसर निकालने के लिए देखना है कि ये 16,000 किसकी वैल्यू दी हुई है, तो 16,000 इससे कितना ज्यादा, ये विजेता कितना पा रहा है 40%, तो मतलब यहां पे क्या लिखेंगे 16,000, ठीक है। फिर नीचे क्या करना है, जितने विजेता पाएगा और जितने उपविजेता पाया जाएगा उसका हम यहां पे डिफरेंस ले लेंगे, जैसे यहां विजेता हुआ तो विजेता डिफरेंस उपविजेता, ठीक है, उपविजेता लेंगे तो हमसे पूछा कितना है, टोटल जनसंख्या पूछी है तो टोटल कितनी होगी, 100 होगी, तो हम यहां से देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा मत दी, कितने मतों से जीता था 16,000 मतों से, ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, विजेता ने 70% पाया, उपविजेता 30% पाया, तो हम इसका यहां से डिफरेंस ले लेंगे। तो आप लोगों को ऐसे ही सेकेंड अप्रोच से करना है, तो सीधे यहां पे 16,000 लिखिए, ठीक है 16,000, और यहां विजेता कितना पाया 70 और उपविजेता कितना पाया 30, ठीक, गुणे कितना करना है 100, ठीक है किया। फिर क्या करेंगे यहां पे 16,000 गुणे 100, यहां से घट गया ये तो कितना हो 40 आया, 70 में से 30 गया कितना आया 40, ये 0,0 इससे कट गया, ये कितना कटा, ये 4,000 बार, ठीक है, तो 4,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40,000। तो हमने देखा ये सेकेंड अप्रोच से भी तुरंत आंसर आ गया, आपको बेसिक भी आना चाहिए और एग्जाम भी आना, एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक भी आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक से बहुत ही जल्दी आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको इन दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करना है बार बार, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मदद मिल सके। ठीक है, आप देख लेते हैं टाइप वन में क्वेश्चन नंबर दो को, क्वेश्चन नंबर दो में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दो में दे रखा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 वोटों से चुनाव को हार गया, तो वैध मतों की संख्या आप लोगों की बतानी है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जीते हुए मतों को दिया गया था और इस क्वेश्चन में हारे हुए मतों को दिया गया, तो हम लोगों को सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दो, तो इसमें हम लोग करेंगे बेसिक से। तो हमने माना यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हमने माना वैध मत कितने हैं, वैध मत बराबर 100x, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बनाना है, एक बना लेना है विजेता का और एक बनाना है उपविजेता का, तो हमने विजेता का बनाया एक और एक उपविजेता, ठीक है, क्योंकि दो ही उम्मीदवार हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा, तो कुल मतों में से यहाँ क्या कहा गया है, एक उम्मीदवार को 38% में वोट मिले और वो 72 वोटों से चुनाव को हार गया, मतलब उपविजेता का मान यहाँ पे दिया रखा है 38
एक्स, ठीक है। तो 38 एक्स जब उपविजेता है तो विजेता को कितना मिला, 100 माइनस 38 तो कितना होगा ये 62 एक्स। अब क्या कहा है कि वह 7200 वोटे से चुनाव को हार गया, तो हमने क्या देखा उपविजेता यहां से कितना पाया 3800 और विजेता यहां से कितना पाया 62 एक्स, तो हमने देखा कि विजेता इससे कितना ज्यादा यहां से पाया है, तो 62 में से हम लोग घटा देंगे, 62 एक्स में से 38 एक्स को जब हम लोग घटाएंगे तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा 24 एक्स, ठीक है। घटाएंगे क्योंकि 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, तो 24 एक्स। 72 मतलब हारा हुआ कितना यहां से 24 एक्स, तो हारे हुए मतों की यहां से संख्या कितनी दे रखी 7200, तो 24 एक्स किसका मान दे रखा है यहां से 7200 का दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको काट लेते हैं, तो 24 तिया कितना होता है 24 एकम 24 और 24 तिया 72 मतलब 300, ठीक है। x की वैल्यू यहां से आई 300, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है वैध मत, तो हमने मान रखा है कि वैध मत कुल क्या है यहां से, तो वैध मत बराबर यहां से हो जाएंगे वैध मत बराबर 100x, 100x तो x का मान यहां से कितना आया 300, तो 100 गुणे 300, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये 30,000 हुआ, ठीक है। 30,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक अप्रोच जिससे हमने सॉल्व किया, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाता है यहाँ से। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये सीजीएल में पूछे जा रहे हैं, सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं, तो आपके यूपीएसआई हुई और एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब आप इसका एग्जाम टिक बना के देखिए, ट्राई करिए, ठीक है। आप देखते हैं इसका एग्जाम ट्रिक क्या है, एग्जाम एग्जाम ट्रिक, तो हमने क्या देखा यहां पे, तो हमने एग्जाम के लिए आप लोगों को बताया है क्या क्वेश्चन में दे रखा है आप पहले क्वेश्चन, तो हम एग्जाम ट्रिक में हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए तब आप आंसर करिए, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा है 38% वोट मिले और 7200 वोटों से हार गया, तो मतलब ये लॉस का दे रखा है, लॉस का कितना दे रखा है 38 का, और कुल कितने होंगे, टोटल होंगे 100, टोटल 100 होंगे, ठीक है, 100x, ठीक है, टोटल 100% होंगे, उसमें से 38% वो हारने वाले को मिल गया, तो जीतने वाले को कितने मिले, तो विन वाले को मिलेंगे 100 माइनस 38 बराबर कितना हुआ 62%। अब क्या दे रखा है, अब आंसर लिखिए आप लोग, यहाँ पे क्या दे रखा है 7200 वोटों से हार गया, तो सीधा ऊपर 7200 लिखिए, और यहाँ पे हमने आपको बताया विजेता और उपविजेता का डिफरेंस लिखना है, विजेता और उपविजेता का डिफरेंस ठीक गुणे कितना करना है, क्योंकि 100% की हमको वैल्यू निकालनी है, तो हम गुणे 100 करेंगे, यहां से 7200 गुणे कितना होगा ये 100, ठीक है। अब यहां क्या है, विजेता कितना पाया है 62 और उपविजेता कितना पाया है 38, तो 62 माइनस 38 करेंगे यहां से, 62 माइनस 38 करेंगे यहां से, किया हमने तो क्या देखा 7200 गुणे 100 बटे कितना आया 2400, तो 24 एकम 24, 24 तिया 72, ये कितना है 300, 300 को जब 100 से गुणा करेंगे, 300 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा 30,000, ठीक है, 30,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप एग्जाम ट्रिक्स से इस प्रकार भी लगा सकते हैं, और ये आपका बेसिक मेथड है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 8000 मतों से चुनाव को
जीता तो आपको कुल मतों की संख्या बतानी है। तो ये इस क्वेश्चन का टाइप हो गया दो, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिया हुआ है इनवैलिड वोट, वैलिड वोट, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है टोटल वोट, टोटल वोट मतलब कुल वोट कितने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिक से नहीं लगेंगे, आपको बेसिक मेथड से ही इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना है। आप कहीं कहीं पे सीरीज मेथड का यूज कर सकते हैं, अगर वैध मत पूछा जाए तो आप सीरीज मेथड से आप उस क्वेश्चन को करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को इसी तरीके से कर रहे हैं, कुल वोट आप लोगों माना हमने कितना है 100x, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल वैलिड वोट्स हमने मान लिए 100। अब क्या कहा है 20% मत अवैध घोषित किए, मतलब इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट बराबर आपके हैं 20%, ठीक। तो 20% 100 का 20% यहां से कितना होगा, माइनस का 20x इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 100 का 20% कितना हुआ, 100 का 20% आप लोगों यहां से निकाल लीजिए, 20/100 होगा, तो 100 कट जाएगा कितना आएगा 20, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20x, तो 100 से हमने 20x बता दिया, तो ये क्या हुआ 80x। अब जो बचे इनवैलिड वोट के बाद आप कितने वोट पड़े, 80x वोट पड़े, ठीक है। अब उसमें से क्या कहा है कि उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, अब उम्मीदवार को कुल मतों का यानी इसका 48% मिला, कुल मतों में उम्मीदवार मतलब जीते वाले को, विन वाले को और हार वाले को, ठीक। जीता और ये क्या हारा, ठीक। तो यहां से क्या कहा गया है कि उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 8000 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या आपको यहां से बतानी है। तो हम लोग यहां से जीता कितना, ये 48% पाया, 48x से इसका हो गया। अब 80 में से 48 पा लिया जीता वाला, तो हारने वाला कितना पाएगा, 80 माइनस 48, ठीक है। 80 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 4 गया कितना बचा 3। तो हमने देखा ये कितना, हारने वाला कितना पाया 32x, तो अब कहा कि वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया। तो हमने देखा ये 48x है यहां से, और ये यहां से कितना है 32x, तो हमने देखा ये जीतने वाला इससे कितना ज्यादा पा रहा है, तो हमने यहां से इसको घटा दिया 48x माइनस 32x, तो ये कितना आया 16x। तो हम लोगों को 16x की यहां से वैल्यू दे रखी है, 16x बराबर किसके दे रखा है, 16x बराबर यहां से दे रखा है 8000 मतों से चुनाव जीता। ये कितने ज्यादा यहां से पा रहा है इसके हिसाब से 16x, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8000, तो 16x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8000 के, ठीक है। अब काट देते हैं इससे, तो हम काटेंगे क्या हुआ 16 एकम 16, 16 पंचे कितना होता है 80, तो x बराबर यहां से कितना आया 500, ठीक है। अब हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमने माने थे 100x, तो यहां से कुल मत क्या हो जाएंगे 100 गुणे, क्योंकि x की वैल्यू यहां से आई 500, तो हम यहां 100 गुणे 500 करेंगे, तो 100 गुणे जब 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अगर वहां पे इनवैलिड वोट या इतने ने मत नहीं डाला तो आप पहले उसको घटा लीजिए, फिर वहां से आप लोगों को इस प्रकार से आपको हल करना रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।
ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मत अवैध घोषित किए गए तथा 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव को जीत लिया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाता आप लोगों को बताना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वहां पे अवैध मत केवल दिए हुए थे, यहाँ पे मतदाता ने भी वोट नहीं डाले कुछ, तो वो भी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिससे इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए। तो सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने हैं। तो हमने माना मतदाता सूची में मतदाता, ये क्या किया हमने यहां से लेट किया, मतलब माना, ठीक है, कितने हैं 100x। ठीक, अब क्या कहा है कि 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो 10% मत इसके अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसका 10% मतलब 10% हम लोग निकालेंगे तो हम 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा, तो हम 10 यहां से घटा देंगे तो कितना बचेगा 90x। अब क्या कहा गया है कि 10% मतदाता ने भी वोट नहीं डाला, मतलब 90% का भी 10%, तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे -10%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 90 × 10/100 करेंगे तो कितना आएगा, ये दो जीरो कट जाएंगे एक एक, तो कितना आएगा 9। तो हमने देखा यहाँ इसका 10% कितना है 9, तो यहाँ कितना बचा 81x। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीत लिया। तो हमने अब क्या पूछा है, यहां से क्या करेंगे, ये बना लिया जीता का विन वाला और ये बना लिया लॉस वाला। तो अब क्या कहा है 60% कुल मतों का मिला, तो जितने मत बचे तो उसका 60% इसको मिल गया, मतलब 60x इसको मिल गया, तो 81x में से 60x जीतने वाले को मिल गया। तो हमने देखा अब कितना हारने वाले को मिलेगा 21x। अब क्या कहा है, और वह उसने 3900 मतों से चुनाव को जीत लिया, तो हमने क्या देखा यहां से 21x से 60x कितना ये बड़ा है, तो हमने देखा 21x और 60x को घटाया, यहां से 60x माइनस 21x को हमने यहां से घटाया तो कितना आया, ये आया 39x। तो हमने देखा है ये 39x आया, तो 39x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये जीतने वाला इससे कितना ज्यादा पाया हारने वाले से 39x यहां पाया, और यहां क्वेश्चन में कितना बताया गया है कि 60% मिला और वह 3900 मतों से चुनाव जीत लिया, तो 39x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 3900। ठीक है, अब क्या है इसको काट लेते हैं, 39 × 1=39, ये कितना हुआ x बराबर कितना हुआ 100। ठीक है, तो हमने माना कितना था यहां पे, कुल मतदाता हमने कितने माने थे 100x, तो हमने यहां से निकाला कि कुल मतदाता, कुल मतदाता यहां से हो जाएंगे 100x, x का मान यहां से कितना आया 100, तो 100 × 100 कितना हुआ 10,000, तो 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो 10,000 मतदाता सूची में थे। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन वीडियो को रोक के अच्छे से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इलेक्शन बेस से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मत अवैध घोषित किए गए, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला और उसने 2400 मतों से चुनाव जीत लिया। मतदाता सूची में कुल मतदाता आपको बताने हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप का बताया है, तो आप पहले इसको ट्राई करिए, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और आंसर को कमेंट में भेजिए हमको। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे, माना मतदाता सूची में कुल मतदाता सूची में मतदाता बराबर 100x, ठीक है, ठीक है। तो हमने माना यहां मतदाता सूची में मतदाता कितने हैं, 100x। अब क्या कहा है, 10% मत अवैध घोषित किए गए, मतलब 10% वोट यहां से इनवैलिड आपके घोषित किए गए, 10% माइनस 10% इनवैलिड वोट आपके 10% घोषित किए गए, मतलब अवैध वोट 10% घोषित किए गए, तो 100 का 10% निकालेंगे, तो 100 का 10% यहां से निकालेंगे तो 100/100 करेंगे तो कितना आएगा, 10, तो यहां से कितना घटा देंगे, माइनस का 10, तो माइनस का 10 घटाएंगे तो यहां कितना आएगा, 90x, ठीक है, 90x। अब क्या कहा है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो इसके बाद क्या कहा है कि 20% मतदाता ने नहीं डाले, तो बी माइनस क्या कर लेंगे, 20% मतदाता ने नहीं डाले, मतदाता ने वोट नहीं डाले, ठीक। तो अब हम 90x का कितना निकालेंगे, 20%, तो यहां से हम लोग 90x का 20% जब निकालेंगे तो 90×20 क्या करेंगे, 100, तो ये दो जीरो कट जाएंगे एक एक से, तो कितना आया ये, 18। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 90 में से कितना घटाएंगे, माइनस का 18x, तो कितना बचेगा यहां से, माइनस का 18x 90 में से घटाएंगे तो बचेगा 72x, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला और उसने 2400 मतों से चुनाव जीत लिया, ठीक। तो एक उम्मीदवार को, मतलब एक हारेगा एक जीतेगा, विन वाला और एक होगा लॉस वाला, मतलब हारने वाला। तो यहां पे क्या कहा गया है, 40% जीतने वाले को मिले हैं, 40x, ठीक है, 72x का 40x इसको मिल गया, तो अब बचा कितना, 72 में से 40 जीतने वाले को मिल गया, तो कितना बचा, ये 32x बचा। अब क्या कहा है, 40% मिला और उसने 2400 मतों से चुनाव जीत लिया, तो ये हारने वाले से यहां से देखेंगे 32 तो ये हारने वाले से यहां जीतने वाले को देखेंगे कितना अंतर आ रहा है, तो इसके पास 40x है, इसके पास 32x है, ये कितना ज्यादा जीतने वाला पा रहा है, 8x, मतलब 40x माइनस 32x बराबर कितना होगा, 8x। तो 8x यहां जीतने वाला ज्यादा पा रहा है, तो यहां क्वेश्चन में क्या बताया गया, उसने 2400 मत ज्यादा पाए, यानी ये 8x की वैल्यू यहां से दे रखी है 2400, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 × 8 कटेगा, ये 8 × 3 = 24 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 300 आ गई, ठीक है। तो हमने यहां से माना था कि मतदाता सूची में मतदाता कितने हैं, 100x, तो कुल मतदाता यहां से कितने हो जाएंगे, कुल मतदाता सूची में मतदाता
कुल मतदाता सूची में मतदाता कितने हो जाएंगे, 100x मतलब 100 × 300, ठीक है। 100 × 300 को करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सेम पिछला वाला ही था, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को अच्छे से रोक के अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या आप लोगों को दे रखा था, अभी आप लोगों से यहाँ कुल पूछा जा रहा था, अब क्या पूछा जाएगा, मान लो कुल अभी तो अवैध अवैध वोट घोषित कर दिया, ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। अब आपसे पूछेगा कि मतदाता सूची में कुल वैध वोट बताइए, तो जब जहां पे वैध वोट पूछा जाएगा वहां पे हम सीरीज मैथड का यूज करेंगे, बेसिक अप्रोच भी लगाएंगे और एक सीरीज मैथड का यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखा, जिसमें हमने टाइप वन और टाइप टू को डिस्कस किया, जिसमें टाइप वन में केवल ये दे रखा था कि एक प्रत्याशी ने इतने वोट पाए और दूसरे प्रत्याशी इतने वोट से हार गया, तो कुल मतों को पूछा गया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखा, जिसमें यह दिया गया था कि इतने परसेंट वोट नहीं डाले गए, इतने परसेंट वोट अवैध घोषित किए गए, तो आपको कुल मत बताना था। अब कल हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें केवल वैध मतों को पूछेगा कि कितने वैध मत बचे, ठीक है, तो उसमें हम लोग सीरीज मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपको इसी क्लास के अगले पार्ट टू में कल। आज के लिए धन्यवाद।